हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा सीरीज चल रहा है मार्च अप्रैल मई से, जो हम टारगेट मेंस का जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम मई से स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि अप्रैल का जो PDF है दोस्तों, इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपना अप्रैल का प्रिपरेशन, अप्रैल मंथ का करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं। मार्च का मेरे पास PDF अवेलेबल नहीं दोस्तों, मैं अप्रैल के बाद में ही जो भी करंट अफेयर बताऊंगा उसी के ही PDFs अवेलेबल आपको होंगे। सो लेट स्टार्ट गाइस, कि मई में आप कौन से करंट अफेयर्स हमें देखने को मिलेंगे। सो उससे पहले दोस्तों, एक और अनाउंसमेंट आपके लिए कि मैं अभी एक हार्डली डेली दो तीन सवाल आपसे करूँ, डेली मतलब जो कम्युनिटी टैब होता है उससे आपसे पूछा जा करूँगा, मतलब हर दिन में एक दो सवाल आपसे पूछता रहूँगा। क्योंकि क्या है, इससे हमारे जो आज क्या करंट अफेयर हुआ, कल क्या करंट हुआ, इसमें भी थोड़ा बहुत हमारा टच चलता रहेगा। सो दोस्तों, ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक जो फॉर्मर जनरल वितरण जर्नलिस्ट है नीलम शर्मा जी, वो कल उनका निधन हो गया है, तो वो कौन से चैनल से जुड़ी है, तो ये सवाल मैंने पूछा था, तो ये दूरदर्शन इसका सही जवाब है। जब जब बचपन में दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि नीलम शर्मा, मतलब मैं जब न्यूज़ मुझे पता है कि ये न्यूज़ चैनल होता है, तभी से मैं नीलम शर्मा जी को देखते आया हूँ। और नीलम शर्मा जी दूरदर्शन का जो 25 शायद उन्होंने 20 ईयर्स वहाँ पे कंप्लीट किए थे दूरदर्शन में, और मेरे ख्याल से उन्हीं की वजह से दूरदर्शन न्यूज़ चैनल बहुत आगे गया है। इसके बाद दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट सवाल था कि इंडिया ने एक किस कंट्री के साथ साथ एक इनाग्रेट किया है 720 मेगावाट मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो दोस्तों इसका सही जवाब है भूटान। तो दोस्तों, इसमें लॉजिक कैसे लगाना चाहिए आपने, ये मैं आपको बताऊंगा। कि देखिए, जब भी कोई जॉइंटली प्रोग्राम इनाग्रेट होता है तो और जैसा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसा प्रोजेक्ट होता है, तो उसके लिए बेनिफिट दोनों कंट्रीज़ को होना चाहिए। जब दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट होना, तभी होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे डैम वो रिवर्स हो, और डैम वो रिवर्स पे तभी बेनिफिट हो सकता है जब वो रिवर दो देशों के अंदर, मतलब पास पास में। तो इसका मतलब ये है कि मोस्टली नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर ही ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स जॉइंटली इनाग्रेट किए जाते हैं। तो जापान और चाइना, ये दो कंट्रीज़ तो आप यहाँ से निकाल सकते हो लॉजिकली। नेपाल, भूटान और तिब्बत, इन तीनों में से ही आपको गेस वर्क लगाना होगा। इसके बाद दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे मैं करंट अफेयर से। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे बैंकिंग इंश्योरेंस करंट अफेयर में। इसमें जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने टाइप किया किसी के साथ, विशफिन इंश्योरेंस आम है, उसकी जो विश पॉलिसी है उसके साथ टाइप करके क्या किया है, 2 व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर्स को वो इशू करने वाले थे। दोस्तों, भारतीय एक्सा के रिगार्डिंग हमने दो तीन न्यूज़ भी देखी, रिवाइज करके देता हूँ। कर्नाटका बैंक ने भारतीय एक्सा के जनरल इंश्योरेंस के साथ पॉलिसी इशू करने के लिए टाइप किया है, और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को असोचाम का नॉन लाइफ परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। इसके बाद दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस HFL जो है, उसने उद्यम नाम का एक स्किलिंग सेंटर लॉन्च किया है, उसका कहाँ पे है वो बेंगलुरु, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके बाद RBI ने जो हाउसिंग लोन लिमिट है दोस्तों, RRB और SFB, RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुई थी, और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों का जो लोन का जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है। इंडिविजुअल अभी जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते होंगे तो आप 34 लाख तक ले सकते हो, और यदि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी छोड़ के रहते हो तो आप 25 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट, मतलब ये जो होता है सिर्फ हाउसिंग लोन होता है दोस्तों, और ड्वेलिंग यूनिट मतलब होता है कि घर बनाने में जितना भी खर्चा हो, मतलब लैंड खरीदने से थे पूरा घर बनने तक जितना खर्चा है वो आपका, उसके लिए आप कितने 45 लाख एंड 30 लाख तक लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नाबार्ड ने 700 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट किसके लिए, एग्रीकल्चर रूरल फोकस स्टार्टअप्स के लिए किया है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ का ये वेंचर कैपिटल फंड है, और किसने ये किया है, मतलब अनाउंस किया है, तो नाबार्ड ने अनाउंस किया है 700 करोड़ का। इसके बाद दोस्तों, ICICI बैंक लॉन्च को ब्रांडेड मल्टी करेंसी कार्ड किसके साथ, गोइबीबो, जो ट्रैवल बुकिंग पोर्टल है। इसके बाद दोस्तों, RBI रिलीज विजन डॉक्यूमेंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019 to 2021। दोस्तों, आपको ये पूछा जा सकता है कि RBI ने कौन सा रिलीज़ किया, ये डॉक्यूमेंट का नाम पूछा जा सकता है, नहीं तो ये पूछा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट किसने रिलीज़ किया। उसके बाद ये कितने कब का विजन है, मतलब 2019-21 का है, 2020-22 का है, 21-23 का है, 22-24 का है, 23-25 का, ऐसे सवाल दिए जा सकते हैं आपको। दोस्तों, SIDBI, आप सभी को पता है कि SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पे है, लखनऊ में, और इनके जो चेयरमैन है, जो हेड है, वो है मोहम्मद मुस्तफा जी, जो IAS है। इन्होंने एक पायलट स्कीम लॉन्च की है, जिसको एक पायलट स्कीम को ये फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू 10 करोड़ तक देने वाले हैं, जो NBFCs द्वारा चलाई जाती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ध्यान में रखना है, किसने ये SIDBI ने किया है। इसके बाद दोस्तों कॉरपोरेशन बैंक ने कॉर्प SME सुविधा नाम का एक प्रोडक्ट GST रजिस्टर MSME एफर्ट्स लिए है, जो क्या प्रोवाइड करेगा, तो बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर MSME सेक्टर के लिए प्रोवाइड करेगा। और एक प्रोडक्ट ये इसका नाम मतलब ये जो है प्रोडक्ट ही है कॉर्प SME सुविधा। इसका दोस्तों कॉर्प से आप ध्यान में रख सकते हो कि ये कॉरपोरेशन बैंक का लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है। इसके बाद दोस्तों RBI ने नॉन NBFC जो है उनकी जो एसेट साइज है यदि 5000 करोड़ के अबो है, मतलब ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग होगी, और उसकी एसेट साइज यदि 5000 करोड़ के अबो होगी, और कुछ NBFC ऐसे भी है जो डिपॉजिट टेकिंग मतलब डिपॉजिट भी लेते हैं, और उनकी एसेट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एसेट साइज हैव टू मेंटेन द लिक्विडिटी बफर इन टर्म्स ऑफ LCR। देखो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो होता है वो इनको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब ये ध्यान में रखो कि NBFC जिसकी एसेट साइज 5000 करोड़ से ज़्यादा है और जो डिपॉजिट नहीं लेती है, और जो NBFC डिपॉजिट लेती है उनकी एसेट से कोई मायने नहीं रखते है, उनको LCR आपको ये करना पड़ेगा। दोस्तों ये LCR वगैरह जो कुछ भी हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस का जब लेक्चर ले लूँगा तब आपको कवर कर दूंगा, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च बैंक ऑन व्हील्स फैसिलिटी कहाँ पे, तमिलनाडु एंड केरला में। किसी के लिए दोस्तों, उन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए डोर स्टेप बैंकिंग के लिए ये सुविधा की, इस सुविधा की। इसके पहले भी दोस्तों SBI ने भी डोर स्टेप बैंकिंग के लिए एक सुविधा ओपन की है, जिसमें वो 100 रुपये चार्ज करने वाले हैं। तो वो उसका नाम आपको फाइंड करना है, वो करंट अफेयर हमने मार्च में देखा था, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों RBI ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का जो टाइमिंग है वो 4:30 से 6 बजे तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये RTGS का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है और RTGS का टाइमिंग भी पूछा गया है दोस्तों एग्जाम्स में, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने यहाँ पे चार्जेस भी दिए हैं कि 8 से सुबह 8 से 11 तक नील होंगे चार्जेस, 11 to 1 PM इज RS 2 रुपये होंगे, और 1 PM to 6 PM तो आपको RS 5 रुपये चार्जेस लगेंगे RTGS ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसके बाद दोस्तों RBI ने एक 6 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जो TN मनोहरन जो कैनरा बैंक के चेयरमैन है, किसके रिगार्डिंग, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉरपोरेट लोन्स। कॉरपोरेट लोन्स के लिए 6 मेंबर की कमेटी TN मनोहरन चेयर जी के अंडर में RBI ने कॉन्स्टिट्यूट की है। इसके बाद दोस्तों कुछ कमेटी एंड स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स हम देखेंगे। इसमें दोस्तों एक एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, या आपको रट्टा चाहिए इसका फुल फॉर्म NCAP का, विच एम्स टू रिड्यूस द पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन बाय 20 to 30% बाय 2024। तो ये जो PM होता है ना दोस्तों, PM 1.5, PM 10, ये जो होता है ये पोल्यूशन का मेजर्स होते हैं। इसमें पोल्यूशन मतलब गिना जाता है कि कितना पोल्यूशन है क्या है। तो ये हम इसके रिगार्डिंग कुछ सजेशंस के लिए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने चेयरमैन जो है सॉरी सेक्रेटरी जो है यूनियन मिनिस्ट्री और इन्होंने एनवायरमेंट मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी होते हैं, जो IAS होते हैं, उनके अंडर अध्यक्षता में ये कमेटी स्थापन की गई है, जो यहाँ पे सुझाव देंगे। इसके बाद दोस्तों अनलॉफुल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की, किसके लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज इन प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल टू एडजुडिकेट वेदर और नॉट देर इज सफिशियंट कॉज फॉर डिक्लेयरिंग लिबरलाइजेशन तमिल ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलन लिट्टे। आपको सभी को फेमस है वीरप्पन जी, जिनको के जिनको जिनको मतलब आई थिंक 2008 या 2010 में उनको मारा गया है, एग्जैक्ट ईयर मुझे पता नहीं है। वो इस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे निगड़ित थे। तो इनके रिगार्डिंग सिर्फ गवर्नमेंट ने एक कमेटी ऐसी फॉर्म की कि भाई बताओ कि हम इसे बैन करें या ना करें। इसके लिए वो किसके अंडर में है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस है संगीता धिंगरा सहगल, उनके अंडर में ये कमेटी स्थापन की गई। इसके बाद दोस्तों जो लोकपाल जी है, जो फर्स्ट लोकपाल कौन अपॉइंट किए गए, आपको एग्जैक्ट तुरंत याद आना चाहिए, पिनाकी चंद्र घोष, वो फर्स्ट लोकपाल अभी भी अपॉइंट हुए। उन्होंने ही www.lokpal.government.in ये वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि वेबसाइट कौन सी है, government.in, government.co.in, ऐसा कुछ भी देंगे नहीं। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा कि ये वेबसाइट लॉन्च किसने की है, तो ये वेबसाइट उन्होंने ही खुद अपने हाथों से मतलब उसका उद्घाटन किया है उस वेबसाइट का। मोस्टली यहाँ पे ऑप्शंस आपको प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट्स के नाम दिए जाएंगे, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पिनाकी चंद्र घोष जी इन्होंने खुद उसका
अनावरण किया है। इसके बाद दोस्तों गुजरात शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 2019 में, ये 2019 के तहत अब ये परमिशन दे दी गई कि आप अपने शॉप्स 24/7 तक खुले रख सकते हो। इसके दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस जो है उसमें फर्स्ट टाइम वुमन कमांडोज इन डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में उनको इंडक वुमेंस को इंडक्ट कर दिया गया। किसमें? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में। तो स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़ पुलिस, आपको ये पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ग्रीटेड द पीपल ऑफ सिक्किम ऑन देयर स्टेटहुड डे। दोस्तों 1975 में सिक्किम हमारे भारत का अविभाज्य हिस्सा बन गया है। इसके पहले दोस्तों आपको एक अमेंडमेंट जरूर याद रहना चाहिए, 35th और 36th अमेंडमेंट, ये दोनों अमेंडमेंट आपको याद रहने चाहिए। 35th अमेंडमेंट के तहत उन्होंने सिर्फ भारत को परमिशन दिया था कि आप टेम्पररी पीरियड के लिए हमें हमारा आपका अविभाज्य भाग बना लीजिए, लेकिन भारत ने 35 अमेंडमेंट पास किया और 6 या 1 साल के लिए वो बनाया। लेकिन उसके बाद भारत ने वहाँ पे रेफरेंडम कंडक्ट किया, तो भारत को वहाँ पे रेफरेंडम में मेजोरिटी मिली और भारत ने पूरा एक नया 36 अमेंडमेंट के तहत एक नया एक्ट पास करके सिक्किम को अपने अपने भारत देश में शामिल कर लिया दोस्तों। तो आपको दोनों दोनों पता होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों केरला, केरला फर्स्ट स्टेट टू टैप मसाला बॉन्ड मार्केट बाय लिस्टिंग केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, वर्थ कितना? 312 मिलियन USD दोस्तों, बहुत है, 2000 करोड़ उन्होंने बाहर से रेस किए हैं दोस्तों। कहाँ पे? लंदन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितने कितने मिलियन डॉलर का है, 312 मिलियन डॉलर का है, कौन है? तो केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड है। तो किसके रिगार्डिंग है? मसाला बॉन्ड के रिगार्डिंग है। टोटल अमाउंट कितना है? 2150 करोड़। और कहाँ पे किया है? तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में किया है। इसके बाद दोस्तों मेघालय गवर्नमेंट अप्रूव सेटिंग ऑफ अ कमीशन टू लुक इनटू द प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर्स। द प्रपोजल वॉज मेड बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू सेट अप द फार्मर्स कमीशन इन विच इन लाइन विद द रिजोल्यूशन पास एट द फार्मर्स पार्लियामेंट। दोस्तों फार्मर्स पार्लियामेंट में जो रिजोल्यूशन पास हो गया था उसी पार्लियामेंट उसी रिजोल्यूशन के आधार पर मेघालय गवर्नमेंट ने फार्मर्स को जो प्रॉब्लम्स फेस की जाती है उस पर एक कमेटी स्थापन की है। तो आपको ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और मोस्टली यही पूछा जाएगा कि किस गवर्नमेंट ने किया है। और आपको सारे स्टेट वहाँ पे दिए गए होंगे, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, असम। अब बताइए कि भाई इसमें से कौन सा है? गेस वर्क भी नहीं लगा पाओगे आप यहाँ पे, तो आपको ये रट्टा ही मारना पड़ेगा। इसका दोस्तों नवीन पटनायक जी, उन्होंने ओडिशा के चीफ मिनिस्टर की ओथ ले ली है। इसके बाद दोस्तों सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जिसके जो प्रेसिडेंट है प्रेम सिंह तमंग, इनके दो नाम है, प्रेम सिंह तमंग पॉपुलरली नोन एज PS गोले, उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम की ओथ ली है। तो यहाँ पे गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद जी। इसके बाद दोस्तों पेमा खांडू जो है इस सोर्न एज चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसके गवर्नर है BD मिश्रा। इसके बाद दोस्तों वाईएसआर कांग्रेस के जो YSR जगमोहन रेड्डी जी है, इन्होंने भी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश और की ओथ ली है। और यहाँ पे गवर्नर है ESL नरसिम्हा। इसके बाद दोस्तों कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। माद्रिद ओपन जो हुआ था टेनिस का टूर्नामेंट, उसमें मेंस में जीता था नोवाक जोकोविक ने और वुमेंस में जीता था किकी बर्तन। तो आपको दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके दोस्तों इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट भी हुआ था जिसमें मेंस ने राफेल नदाल जी जीते थे और वुमन में कैरोना प्लिसकोवा ये जीती थी। इसके बाद दोस्तों क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स, ये आपको खुद पढ़ना पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे सवाल आने के चांसेस भी होते हैं। जल्दी से विद इन 1 मिनट में कवर कर देता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बैट्समैन ऑफ द ईयर विराट कोहली, इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चेतेश्वर पुजारा। लॉजिकली आप कह सकते हो भाई टॉप में बैट्समैन तो यही है, बॉलिंग में भी इंडिया का यही है, टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा बहुत टॉप पे है। इसके बाद इंटरनेशनल ओडिया क्रिकेटर विराट कोहली क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, पूरा वर्ल्ड के क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसमें उनको बैट्समैन ऑफ द ईयर भी और इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिला है। और ये रोहित शर्मा है जो है ODI प्लेयर ऑफ द ईयर है। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर एरन फिंच है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है कुलदीप यादव है और इंटरनेशनल T20 बॉलर है रशीद खान। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये ज़्यादा पूछने के चांसेस है दोस्तों आपको, मोहिंदर अमरनाथ जी। इंटरनेशनल वुमन क्रिकेटर डेफिनेटली स्मृति इंदाना ही होगी जिनको बहुत बार नॉमिनेट नौ या इस ईयर अवार्ड भी बहुत मिले हैं। इसके बाद दोस्तों ये कुछ मिनिस्ट्रीज जो मैंने यहाँ पे देखी, अब इलेक्शन हाल ही में कंडक्ट हुए दोस्तों, तो ये ट्रेंड हमेशा बना रहेगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है, ये मिनिस्ट्री कौन हैंडल करता है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है कौन है। तो आपको ये सब मिनिस्ट्री रट डालनी है, ये जो टॉपिक्स है ये मैं आपको खुद पढ़ना है क्योंकि ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं, सभी सभी आपको एक भी नहीं छोड़ना है और सबका रट्टा मारना है कि इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है।
तो ये सभी आपको पढ़ना है। मैंने 2 पेजेस यहाँ पे दिए हैं, जब आप प्रिंट निकाल लोगे इसका, यदि प्रिंट निकालना चाहे तो पीडीएफ में से भी आप इसका पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आप खुद, ये आपको दोनों चीज़ आपको खुद को पढ़ना है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पे आप कम फोकस कीजिएगा। यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिए हैं इस पे आप ज़रा कम फोकस कीजिएगा। इसमें आप सिर्फ जो फेमस फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उन पे फोकस कीजिएगा। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूंसी के रिगार्डिंग में एक नया वीडियो आएगा जो मिसलिनियस पार्ट्स में होगा, स्टैटिक पार्ट में, तब मैं उसमें कवर कर दूंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का होगा। इसके बाद दोस्तों ग्लांस एट इकोनॉमिक करंट अफेयर में हम अब रूबरू करेंगे। इसमें दोस्तों नीदरलैंड थर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बनी है, हाईएस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमेशा दोस्तों टॉप में रहता है एक तो सिंगापुर या मॉरिशस। मॉरिशस दोस्तों ये दो कंट्रीज है ना, हमेशा एक साल कोई आगे जाता है दूसरे साल कोई पीछे जाता है, लेकिन ये दोनों में से हमेशा एक ही टॉप पे रहता है। यदि आपको सवाल में कहीं भी सिंगापुर या मॉरिशस दोनों में से एक दिख गया है ना, सबसे हाईएस्ट एफडीआई किसका है, तो डेफिनेटली उस दोनों में से ही ऑप्शन आपको पिक करना है, दूसरा करना ही नहीं है। ये लास्ट 10 या 15 ईयर से ये ट्रेंड चलता आ रहा है। इसके बाद दोस्तों एशिया पैसिफिक रीजन एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5.7% इन 2019। या किस कौन सी रिपोर्ट में? आशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया। किसने जारी किया है? डेफिनेटली आशियन डेवलपमेंट है तो आशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही किया होगा। इसके बाद दोस्तों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को उनकी जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट थी उससे उनका नाम हटा दिया है, जिसमें जिसमें मोस्टली कौन कौन के कौन होते हैं शामिल, जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते हैं। इसके बाद दोस्तों मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है, मार्केट रेगुलेटर्स जो हमारी सेबी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टू पे मोर देन 625 करोड़ इन केस ऑफ द मिस यूज ऑफ को लोकेशन फैसिलिटी। अब ये फैसिलिटी हमें तो पता नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से 625 करोड़ मांगे हैं दोस्तों। यदि ये सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे तो ये कम से कम अभी एस्टिमेट है इसका 1000 करोड़ तक उनको भरना पड़ेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 1200 करोड़ तक ये जाने के चांसेस है, तो भाई जल्दी पे कर दो। इसके बाद दोस्तों पेटीएम लॉन्च ने एक रिकरिंग पेमेंट सर्विस लॉन्च की है फॉर मर्चेंट्स वर्किंग ऑन डिजिटल सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी रिसेंटली डिजिटल सब्सक्रिप्शन मॉडल पे किसने रिकरिंग पेमेंट सर्विस लॉन्च की है, तो वो है पेटीएम। इसके बाद दोस्तों फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्रोवाइडेड यूडीएस एक्वायर्ड मेजोरिटी स्टेक्स इन मैट्रिक्स बिजनेस सर्विसेज। ये जाना देखिए, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, गलती से आ गया। इसके बाद दोस्तों इराक बिकम एन इंडियाज टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर। टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर मतलब 1/5 ऑफ कंट्रीज जो नीड है ना हमारी ऑयल की, 100 लगती हो तो उसमें से 20 तो हमें इराक ही सपोर्ट करता है, इराक ही सप्लाई करता है। तो इराक बिकम्स इंडियाज टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर। इसके बाद दोस्तों हुवेई 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 को वो ओवरटेक एप्पल एप्पल को उन्होंने ओवरटेक कर दिया और नंबर 2 स्पॉट पे चली गई इन स्मार्टफोन मेकिंग। नंबर 1 पे कौन है अभी दोस्तों? सैमसंग। सैमसंग अभी नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे कौन है? यूएई। ये कौन सी? ये चाइनीज बेस्ड चाइना कंपनी है दोस्तों। पूछा भी जा सकता है यूएई का कि, लेकिन नाम सेम लगते हैं तो वहाँ पे चाइना जापान अजून दो तीन नाम ना वहाँ पे दे तो शायद आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद दोस्तों मास्टर कार्ड एक अनाउंस इट्स प्लान फॉर इंडस इन्वेस्टिंग 1 बिलियन इन इंडियन ऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मास्टर कार्ड कितनी कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो वो 1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इसके बाद दोस्तों भारतीय एयरटेल यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया कंबाइन देयर वीसैट। वीसैट का फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए दोस्तों, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। इसका फुल फॉर्म रट डालो दोस्तों, कभी भी पूछा जा सकता है, और 2-3 बार पूछा गया है मेरे होते, मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेशन इन इंडिया, तो दोनों एक स्टार्ट करने वाले हैं। वीसैट सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेशन इन इंडिया कौन? भारतीय एयरटेल एंड यूएस कम्युनिकेशन इंडिया। इसके बाद दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री RIL एक्वायर्ड ब्रिटिश की जो टॉय एक रिटेलर है हैमले, उसको इन्होंने खरीदा है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री RIL ने। कितने में? 68 पाउंड्स, नियर अबाउट मीन 620 करोड़। और जी हाँ दोस्तों ये पूरी कैश सेवा है, कैश में पे किए इनको पूरे, मतलब ना ही ऐसा कि भाई मैं 10 साल के बाद आपको आधे दे दूंगा, 5 साल के पहले आधे दे दूंगा, भाई कैश ले लो और तमाशा देखो। ऐसी चीज़ें रिलायंस ने यहाँ पे की है, उनको
कैश में खरीदा है। इसके बाद दोस्तों फेसबुक चूजन लंदन एज अ सेंटर फॉर द ग्लोबल रोल आउट ऑफ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे के लिए उन्होंने लंदन को अपना सेंटर चुना है। हालांकि इंडिया में होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंडिया में इतनी आबादी फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करता है जितना फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए इंडिया में कमाता है, उससे भी आई थिंक 1/2 भी कमा नहीं पा रहा होगा पूरे वर्ल्ड में से। रिमेनिंग इंडिया, एक्सेप्ट इंडिया, यदि इंडिया की बात करेंगे तो शायद ये इंडिया पे होना चाहिए। फेसबुक ने इसके बारे में सोचना चाहिए था ऑब्वियस। एनीवे भारत पे जो फर्स्ट फिनटेक स्टार्टअप है एनेबलिंग पेमेंट फॉर मर्चेंट थ्रू इंटरपोल यूपीआई क्यूआर कोड अनाउंस इट्स फॉरे इनटू मर्चेंट सर्विस विथ न्यू ऐप। तो भारत पे जो है अब वो मर्चेंट सर्विस भी स्टार्ट करेगा उनके न्यू ऐप से। इसके बाद दोस्तों पेटीएम इन एसोसिएशन विद सिटी बैंक उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि पेटीएम ने कौन से बैंक के तहत अपना नया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये है सिटी बैंक। इसके बाद दोस्तों भारतीय एयरटेल एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर कवर फॉर हो कस्टमर्स हु गेट प्रीपेड रिचार्ज डन। भारतीय एयरटेल के एयरटेल का जो रिचार्ज करेगा उसको HDFC लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगा, लाइफ कवर। इसके बाद दोस्तों IT सर्विस जो टेक महिंद्रा एंड फ्रेंच डिजिटल कंटेंट पब्लिशिंग फर्म रकूटेन एक्वाफेडस साइन आई एम ओ टू कोलेबरेट ऑन बिल्डिंग एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफरिंग। तो आपको यही पूछा जाएगा कि रकूटेन एक्वाफेडस के साथ हमारी कौन सी IT सर्विस फर्म ने अभी भी MOU साइन किया है, तो वो है टेक महिंद्रा, ना ही TCS और विप्रो SCL ऐसे बहुत सारे नाम वहाँ पे दिए होंगे। तो सो BSNL जॉइंट्स हैंड विथ इंटरनेट मेजर गूगल टू एक्सपैंड इट्स वाईफाई फुटप्रिंट अक्रॉस द कंट्री। गूगल के साथ मिलकर वो पूरे देश में वाईफाई की सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉपल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जगह अब रिलायंस इंडस्ट्री ने ले ली है और कंट्रीज बिगेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू की तरह वो कंपनी की सबसे बड़ी बिगेस्ट कंपनी बन गई। इसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया जायंट फेसबुक फॉर्म अ न्यू फाइनेंशियल टेक फर्म लिब्रा नेटवर्क्स LLC इन जिनेवा। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि फेसबुक ने न्यू फाइनेंशियल टेक फर्म लिब्रा नेटवर्क LLC कहाँ पे लोकेटेड है, वो जिनेवा में लोकेटेड है, किसकी है, फेसबुक की। इसके बाद राइड राइड हेलिंग कंपनी ओला लॉन्च ओला मनी SBI कार्ड इन पार्टनरशिप विद SBI। तो किसके साथ ओला मनी SBI कार्ड लॉन्च किया, किसने, ओला ने। HDFC ग्रुप इमर्ज एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल बाय द वे ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। HDFC ग्रुप में कौन कौन आता है, HDFC, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC एसेट मैनेजमेंट एंड ग्रुप फाइनेंस, ये सब मिला के HDFC ग्रुप है दोस्तों। तो HDFC ग्रुप इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है, किसकी अकॉर्डिंगली, मार्केट ऑफ बाय द वे ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों ये हो गया आज का पार्ट 1, पार्ट 2 शायद शाम तक आ जाएगा, नहीं तो दोपहर तक 5 बजे तक भी आ सकता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ लवली डे, हैव ब्राइट फ्यूचर अहेड, गुड बाय।